ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, पूरे देश में इस समय यही मुहिम चल रही है, जिसके तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कदम ताल मिलाते हुए संस्था ने स्वदेशी स्टोर की शुरुआत की है। इस समय पूरे देश में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि चाइना का बायकॉट करें और अपने देश में बनने वाले सामान का इस्तेमाल करें, और इसी के तहत अब गुरुग्राम में एक ऐसा स्टोर खोला गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी सामान ही मिलेगा, जिसमें एक आम आदमी की जरूरत का हर सामान उपलब्ध होगा। इस स्टोर में कम दाम में अच्छी गुणवत्ता देने का वायदा किया जा रहा है और देश में कड़ी मेहनत से कार्य करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर स्वदेशी संसार जैसे पूरे गुरुग्राम में 50 ऐसे स्टोर खोले जाएंगे, जिसके जरिए लोगों को स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। यहाँ इस स्टोर का उद्देश्य केवल लोगों को स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है और लोगों को ये समझाना है कि कैसे हम अपने देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करके देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। करें जिस तरीके से आपने स्वदेशी संसार स्टोर यहाँ पर खोला है, क्या कुछ एक दिमाग में सेट करके एक गोल सेट किया हुआ है और किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करेंगे स्वदेशी सामान को यूज करने के लिए? सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। रही बात स्वदेशी स्टोर की, तो पहला स्टोर है ये हमारा कंपनी का और आगे हम और स्टोर खोलने जा रहे हैं, लेकिन जो कारण रहा खोलने का कि क्या वजह रही इसकी वजह सिर्फ एक मात्र है कि स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। हम बताना चाह रहे हैं कि स्वदेशी खरीदना हमारे लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, देश को आगे बढ़ाना है, सक्षम बनना है, तो स्वदेशी की तरफ हमें जाना होगा। हर सूरत में हमें उस तरफ जाना होगा। ये उसी दिशा में हमारा कदम है, पहला कदम है ये स्वदेशी का। और आप यहाँ पर जिस तरीके से आपने आज पहली स्टोर यहाँ पर खोली है गुरुग्राम के अंदर, आप कितनी स्टोर यहाँ पर जो है स्वदेशी सामान को जागरूक करने के लिए लोगों के लिए खोलेंगे? देखिए, हमारे ना दो तरह के स्टोर होने वाले हैं। पहला स्टोर होगा मेगा स्टोर, दूसरे होंगे सुपर स्टोर। आज जो आपने नीचे देखा है वो हमारा सुपर स्टोर है। दो से तीन स्टोर हमारे मेगा स्टोर होने वाले हैं अभी, और उसके अलावा तकरीबन 50 स्टोर हमारे गुड़गांव में आ रहे हैं जो सुपर स्टोर होंगे और गुड़गांव के सभी क्षेत्रों में होंगे। हमने वो ऑलमोस्ट फाइंड आउट कर ली हैं सारी चीज़ें और उन पे जल्दी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी आपको बता दूं, तीन स्टोर का हमारा गुड़गांव में ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसका अगले महीने हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जो ये आप तीन स्टोर गुड़गांव के अंदर खोलने जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे? एक न्यू गुड़गांव में, दूसरा वजीरपुर के पास में हमारा आ रहा है, तीसरा बसई गांव के पास में आ रहा है। ये तीन स्टोर अभी हमारे करंट में जिन पे हमारा काम चल रहा है। आपके स्टोर के अंदर जितना भी सामान है वो आप किस तरीके से लोगों को चूज कर रहे हैं कि ये हमें सामान रखना है और ये नहीं रखना है? देखिए, सीधा सा फंडा है हमारा, स्वदेशी रखना है। स्वदेशी दो तरह के होते हैं, एक पूर्ण स्वदेशी, एक स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जिसके भ्रम में पूरे हिंदुस्तान को उलझाया जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्ण स्वदेशी की, जिसकी लड़ाई बहुत से महापुरुषों ने लड़ी है। एक आम इंडियन, एक आम भारतीय सदा से लड़ता आ रहा है। तो पूर्ण स्वदेशी में मेड इन इंडिया एंड मेड बाय इंडियन प्रोडक्ट होंगे, वो प्रोडक्ट जो भारत में बन रहे हैं और भारतीयों द्वारा बन रहे हैं। तो हम उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं जो इंडिया में बन रहे हैं। अब इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दो तरह के हैं, एक ब्रांडेड जिनका नाम है, जिनकी एड्स आती हैं, बड़े बड़े स्टार जिनकी ऐड करते हैं। दूसरे वो प्रोडक्ट हैं जिनको कोई नहीं जानता, एक क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और उनको कोई जानता नहीं है, वो ऐड नहीं कर पाते, वो सक्षम नहीं है कि वो शाहरुख सलमान पे पैसा लगा सके। तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हमारी परचेजिंग टीम कंटिन्यू काम कर रही है इस चीज़ पे। R&D टीम है हमारी इन हाउस, उनका काम है उन प्रोडक्ट को ढूंढना जो आम आदमी के लिए किफ़ायती हैं, जिनके क्वालिटी बहुत बेहतरीन है और रेट कम है।
जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त चाइना का बॉयकट करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, क्या आप जो और देश है उनको भी यही दिखाना चाहते हैं और अपने देश को सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि हम सिर्फ स्वदेशी ही सामान यूज करें? जी, चाइना, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमने टीवी पे भी देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, मीडिया भी बताता है कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का या विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दें तो हमारा इतना मुनाफा हो जाएगा। ये बातें सच हैं। हम कर इसलिए नहीं पा रहे कि कहीं से भी ना हम सक्षम नहीं है, हमारे लोग जागरूक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा चाइनीज़ है, कौन सा इंडियन है, कौन सा किस तरह का है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक स्वदेशी संसार स्टोर जो ये खोला है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, चाइना का बॉयकॉट या पूरे जो और कंट्रीज है उनका बॉयकॉट? देखिए, स्वदेशी का मतलब है स्वदेश, अपने देश से प्रेम। ये एक सोच है, ये कोई किसी का विरोध नहीं है, कोई भावना नहीं है। हमने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें देखी, आपने भी देखी, इस देश में आज समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। मैंने, मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने, मेरी पूरे देश ने कोरोना काल देखा, भुखमरी देखी, बेरोजगारी देखी। जब सोच के पास, 4 साल हो गए हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, ये केवल एक हिस्सा है उस प्रोजेक्ट का, स्वदेशी सामान खरीदना। स्वदेशी सामान खरीदने से बहुत सी समस्याओं का समाधान है। आप अपने आम जीवन में देखते हैं कि कोई भूखा आदमी, कोई भूखा राष्ट्र कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। ये भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ पहल है। हमने सोचा, हमने अध्ययन किया कि कब भारत सोने की चिड़िया था, क्यों था, वो क्या कारण थे। कारण एक ही था, हमारे यहाँ पे आम आदमी जिसमें जो क्षमता है उसका सम्मान होता था, उसको बढ़ावा मिलता था। हम केवल निर्यात करते थे, आयात का तो कोई ऐसा साधन ही नहीं था, लेकिन जो लोग भी आए सब लोगों ने आंदोलनों के नाम पे भ्रमित किया, जिसमें एक आंदोलन बाबा भी चला रहे हैं, वो व्यापारी बन गए हैं। अब वो स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी है, माना स्वदेशी है उनका ब्रांड, लेकिन क्या केवल वही स्वदेशी हैं? हमारे हर गांव में दादी नानी और छोटे छोटे लोग इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने की तैयारी है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा स्वदेश नहीं बढ़ेगा, स्वदेश नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। और जिस दिन स्वदेश बढ़ गया, जिस दिन हमारे युवाओं को रोज़गार मिलने लगेगा, जिस दिन हमारे भारत के सामान बढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, विरोध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस विश्व में फिर से वो भारत के नाम का नारा गूंजेगा, विवेकानंद जी का सपना साकार होगा, विश्वगुरु बनेगा राष्ट्र। पर इन नक्कालों से बाहर निकालना हमारा उद्देश्य है। वास्तव में इस भारत में सभी स्वदेशी की बात करते आए हैं, स्वदेशी आधार है इस जीवन का, स्वदेशी के बिना गुजारा नहीं है, स्वदेशी समाधान है सब समस्याओं का। लेकिन लोग अपने जीवन में कैसे करें, क्या करें, वो एक रास्ता है। स्वदेशी संसार ने शुरू किया है स्वदेशी स्टोर।